जब रिलेशनशिप के हम लोग ऐसे मझधार में फंस जाते हैं जहां हम लोग को कुछ समझ में नहीं आता है, क्योंकि आप सारे कोशिश कर रहे होते हो, साइलेंट होके देख रहे होते हो, सामने वाले से बात करके कोशिश करते हो कि सिचुएशन ठीक हो, लेकिन कोई भी चीज़ वर्कआउट नहीं कर रहा होता है। आपके दिमाग में ज़रूर चल रहा होता है कि इतना पोलाइटली भी बात कर रहे हैं फिर भी सामने वाला नहीं समझ रहा है, नॉर्मल बिहेवियर रख रहे हैं फिर भी सामने वाला नहीं समझ रहा है, तो आखिर करें तो करें क्या कि सामने वाला समझे मुझे? क्योंकि आप उस समय इमोशनली काफ़ी ज़्यादा वीक हो जाते हो और आप सामने वाले से एक्सपेक्ट करते हो कि सामने वाला इंसान मुझे समझे, लेकिन सामने वाला इंसान का बिहेवियर कुछ अलग होता है और आपके दिमाग में ये चल रहा होता है कि उसे काफ़ी ज़्यादा ईगो हो गया है, एटीट्यूड हो गया है और इस वजह से वो मुझे समझने की कोशिश तक नहीं कर रहा है, मुझे इग्नोर किए जा रहा है। देखिए, आप अपने साइड से ये सारी चीज़ें ओवर थिंक कर रहे हो और जिस वजह से भी आप परेशान हो, जब आप ओवर थिंक करने लगते हो तो आपके दिमाग में जो है नेगेटिविटी भर जाती है और जब आप नेगेटिव चीज़ें आप सोचने लगते हो, नेगेटिव चीज़ें आपके माइंड में आने लगती है, उस समय आप चीज़ों को और ज़्यादा गड़बड़ कर देते हो। और यहाँ मैं आपको बता देता हूँ कि लड़कों का थॉट प्रोसेस अलग तरीके से काम करता है, लड़कियों का थॉट प्रोसेस अलग तरीके से काम करता है और जिस वजह से भी एक कॉम्बिनेशन मैच ना होने की वजह से रिलेशनशिप ठीक हो ही नहीं पाता है कभी। इसलिए मैं आप लोग से ये कहना चाहता हूँ कि चीज़ों को पहले समझिए, लड़कियों का बिहेवियर को समझने की कोशिश कीजिए और यदि लड़की हैं तो आप लड़कों के बिहेवियर को समझने की कोशिश कीजिए। यदि मैं लड़कों का बात करूँ कि लड़कों का थॉट प्रोसेस कैसे काम करता है, तो डेफिनेटली वो नेगेटिव चीज़ों को ज़्यादा दिन तक अपने दिमाग में नहीं रखते हैं और जिस वजह से यदि लड़का रूठ के गया है या लड़का इग्नोर कर रहा है आपको, तो वो ज़्यादा दिन तक आपके नेगेटिव चीज़ों को अपने दिमाग में नहीं रखेगा और एक समय के बाद वो वापस आ जाता है। लेकिन लड़कियों के साथ वैसा नहीं होता है और इस वजह से भी लड़के मात खा जाते हैं यहाँ पे, वो समझ नहीं पाते हैं उनके बिहेवियर को और जिस वजह से सारा चीज़ कचड़ा कर देते हैं और फिर आप ये सोचते हैं कि हाँ सामने वाला मुझे नहीं समझ रहा है। होता यह है कि लड़कियां जो नेगेटिव चीज़ों को एक लंबे समय तक पकड़ के रखती हैं, नेगेटिव चीज़ों को जल्दी से नहीं भूलती हैं, उनके सबकॉन्शियस माइंड में इन नेगेटिव चीज़ें एक लंबे समय तक स्टोर रहता है। इस चीज़ को समझने की कोशिश कीजिए क्योंकि वो जो होती है पुरानी बातें, आप 1 साल 2 साल ले लो, वो 2 साल जो पुरानी आप कुछ गलती की हैं वो सारी चीज़ें आपको फ्लैशबैक में रिप्रेजेंट करेंगे कि ये आपने गलती की थी, ये आपने गलती की थी। तो इस चीज़ को भी लेके आप समझने की कोशिश कीजिए कि उनका उनके दिमाग में नेगेटिव चीज़ें कितने देर तक रहती है और नेगेटिव चीज़ों को लेके उनका माइंडसेट कैसा काम करता है। और जब अभी जो ब्रेकअप वाली सिचुएशन हो गई है और आप जो क्या है कि लड़ाई पे लड़ाई किए जा रहे हो, सामने वाले को उल्टी सीधी बातें बोल रहे हो, तो आप अपना एक नेगेटिव इमेज भी बना रहे हो। मैं समझ रहा हूँ कि आप रिलेशनशिप को ठीक करने की कोशिश कर रहे हो लेकिन सामने वाला नहीं समझेगा, आप नेगेटिव तरीके से चीज़ों को ठीक करने की कोशिश कर रहे हो और आपको लगता है कि एक बार अच्छे से बात करेंगे, 2 बार अच्छे से बात करेंगे तो चीज़ें ठीक हो जाएंगी। नहीं, अब आपका सवाल यह है कि क्या तो हमेशा उसके पीछे लगे रहें, हमेशा मीठी मीठी बातें करते रहें? जी बिल्कुल भी नहीं। देखिए, आपने एक बार समझाया, 2 बार समझाया, उसके बाद तीसरा बार क्या है कि आप सामने वाले से लड़ाई करने लगते हो, तो एटलीस्ट ये चीज़ें नहीं करो। आपने समझा दिया 2 बार अच्छे से, दैट इज़ इनफ, उसके बाद आप बैक फुट पे आ जाओ। सामने वाला यदि समझ रहा है, आज नहीं 1-2 दिन के बाद, 4 दिन 5 दिन महीनों दिन 2 महीने के बाद उसे समझ में आएगी तो फिर आपके पास आएगा। यदि उसको रियलाइज होगा कि उसने भी गलती की है या उसे ये रियलाइज होगा कि आपको अपनी गलती का रियलाइजेशन है, तो डेफिनेटली वो भी रिलेशनशिप को ठीक करने की कोशिश करेगा। और यदि वो इंसान, वो लड़की कहीं थर्ड पर्सन के साथ इंगेज हो गई है तो फिर उसके कोई आने के चांसेस ही नहीं बचते हैं। तो फिर आप उसके सामने सर पटको, अपना सेल्फ रिस्पेक्ट दांव पे लगाओ, अपनी वैल्यू डाउन करो, उससे उसको कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो यहाँ पे आपको ये समझना चाहिए कि सामने वाला का माइंडसेट कैसे काम करता है, खास करके एक लड़की के लिए नेगेटिव चीज़ें बिल्कुल चुंबक की तरह होती है, डायरेक्ट कैच करता है उनके माइंड में। इसलिए साइलेंट हो जाइए, ज़्यादा अभी अपना नेगेटिव बिहेवियर नहीं बनाइए। ज़्यादा नेगेटिव बिहेवियर बनाते हैं तो बस रिलेशनशिप बिल्कुल टूटेगा ही टूटेगा, तो नेगेटिव नहीं होइए। रिलेशनशिप आज क्या 2 दिन 4 दिन 5 दिन के बाद ठीक हो जाएगा, 5 दिन नहीं महीना दिन के बाद ठीक होगा, कोई बात नहीं। टाइम तो लेने दीजिए, स्पेस तो दीजिए सामने वाले को। आप स्पेस देने के लिए तैयार ही नहीं होते हैं, डर जाते हैं, अरे सामने वाला छोड़ के चला जाएगा, वो भूल जाएगा।
नहीं भूलेगा। टाइम देते हैं तो आपके नेगेटिव चीज़ों को वो भूलेगा, ना कि आपको भूलेगा। और जैसे जैसे टाइम बीतता जाता है, नेगेटिव चीज़ें धीरे धीरे हटने लगती है और पॉजिटिव चीज़ें उसे याद आने लगती है, उसका दिमाग रिकॉल करने लगता है। तो यहाँ इन चीज़ों को समझिए, लोगों का माइंडसेट को समझिए, तभी आप रिलेशनशिप को ठीक कर सकते हैं, और नहीं तो नहीं। उम्मीद करते हैं इस वीडियो से आपको कुछ क्लैरिटी मिली होगी। तो इस वीडियो को यहीं एंड करते हैं, तब तक के लिए बाय।